नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे पीएम मोदी को लेकर। क्या पीएम मोदी को पीएम बनाने में फेसबुक ने की थी मदद? क्या जब 2014 में लोकसभा चुनाव हुए थे उस दौरान फेसबुक की मदद की वजह से जो मोदी हैं वो पीएम बन पाए थे? जी हाँ, एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, बहुत ही रिपोर्ट वो चौंका देने वाली। देखिए, कैम्ब्रिज एनालिटिक्स से जुड़ी एक भारतीय कंपनी के संस्थापक ने संवाददाताओं को बताया कि इसके सीईओ अलेक्जेंडर निक्स ने भारतीय चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की थी। अवनीश राय एसएससीएल इंडिया के संस्थापक हैं, जो लंदन में एसएससीएल ग्रुप और ओब्लेनो बिजनेस इंटेलिजेंस का एक संयुक्त उपक्रम है। अवनीश राय ने कहा कि अलेक्जेंडर निक्स ने 2014 के संसदीय चुनाव से पहले भारत का दौरा किया था और उस वक्त की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को हराने के लिए एक अनाम क्लाइंट के साथ काम किया था। उस चुनाव में वर्तमान नरेंद्र मोदी को निर्णायक जीत मिली थी। मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 543 लोकसभा सीटों में से 282 सीटें जीती थी। यहाँ पे देखें, जैसे कि बताया भी गया कि जब चुनाव हुए थे और जिस तरह की सीटें जीती थी, जी हाँ, देखिए 2014 के संसदीय चुनाव में भारत का पहला भी दौरा किया था उन्होंने, अलेक्जेंडर निक्स ने। तो क्या फेसबुक की वजह से या फेसबुक की मदद से पीएम मोदी पीएम बन पाए? जी हाँ, ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं अपने आप में उठ रहा है। और जैसा कि अब मामला देखने को मिल रहा है, देखिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ही एसएससीएल इंडिया की क्लाइंट लिस्ट में शामिल है, लेकिन दोनों ही पार्टियां इस कंपनी के साथ किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार करती हैं। कांग्रेस का सोशल मीडिया देख रही दिव्या स्पंदना ने अपनी बातचीत में कहा कि कांग्रेस का कैम्ब्रिज से कोई संबंध नहीं है और ये अवनीश राय का बयान साबित करता है, जो बात कांग्रेस कह रही थी वो सही है। यानी कि अवनीश राय जिन्होंने बयान दिया कि कहीं ना कहीं फेसबुक की वजह से मोदी सरकार जो है, कह सकते हैं कि मोदी जो है पीएम बन पाए थे। तो देखिए, यहाँ पर एक अलग ही देखने को मिला है और ऐसा बताया जा रहा था कि मोदी लहर है, लेकिन मोदी लहर नहीं, जबकि जो रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं फेसबुक की मदद की वजह से जो है मोदी पीएम बन पाए थे, पीएम की सत्ता पर वो बैठ पाए। इस समूचे मामले पर भाजपा के आईटी सेल और सोशल मीडिया के प्रमुख अमित मालवीय का कहना है, मुझे नहीं पता कि अवनीश कुमार राय कौन है, भाजपा का उनसे कोई संपर्क नहीं रहा है, मैंने उनका इंटरव्यू नहीं देखा है, हमारा कैम्ब्रिज एनालिटिक से जुड़ी किसी भी कंपनी से कोई संबंध नहीं है। इससे पहले भारत के कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि कैम्ब्रिज एनालिटिक के साथ कांग्रेस की भागीदारी की कई रिपोर्ट थी। उन्होंने कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी से उनके सोशल मीडिया के बड़े फॉलोअर्स में कंपनी की भूमिका पर जवाब देने की भी बात कही थी। रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को सार्वजनिक रूप से चेतावनी देते हुए कहा था, अगर फेसबुक भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, देखिए, अब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मामले पर बयान दिया है कि अगर उनके जो संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग को सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी भी दी है कि अगर कोई फेसबुक गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, हमारा आईटी एक्ट बहुत मजबूत है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम जुकरबर्ग को समन देकर भारत भी बुला सकते हैं। एससीएल इंडिया के प्रमुख अमरीश त्यागी के पिता केसी त्यागी बिहार में शासन कर रही जनता दल पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। बिहार में यह मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बन गया। केसी त्यागी ने अपनी बातचीत में कहा, अमरीश की कंपनी गांव में कितनी जाति कितने बनिया ब्राह्मण है उसकी गणना ज्यादा करती है, उसने ट्रंप वाले चुनाव में भारतीय मूल के लोगों को जोड़ने का काम किया था और हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने फेसबुक से कहा कि वो गड़बड़ करो, वहां फेसबुक से गड़बड़ी होगी तो यहां इसके खिलाफ कोई अपराध का मामला नहीं बनता। भारत में डेटा की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता है, क्या भारत जैसे विशाल देश में सोशल मीडिया के डेटा पर मौजूद जानकारी का इस्तेमाल कर चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है? चुनावी सर्वे करने वाली संस्था सीएस डीएस के संजय कुमार कहते हैं, प्रजातंत्र को इतना बड़ा खतरा नहीं है,
जितनी इसकी पिछले कुछ दिनों में चर्चा हो रही है। आम भारतीय मतदाता की परेशानी बिजली पानी सड़क रोजगार की समस्या सभी को पता है, ऐसी कौन सी खास चीज होगी जो मतदाता के अंदर जो हम अपने फेसबुक पर लिखते हैं। भारतीय राजनीति पार्टी मतदाताओं का मत समझती है और इसके लिए उन्हें कहीं और से डेटा लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए ये बात खुद कह दी गई है। और इस कंपनी ने भारत में राजनीतिक दलों के साथ क्या काम किया, उन दलों को क्या फ़ायदा मिला, इस पर कोई कई सवाल है। इन ताज़ा आरोपों पर अपनी बातचीत में देखिए कैम्ब्रिज एनालिटिक का जो ईमेल से सवाल भेजा है उसका जवाब भी अभी नहीं मिला है। साथ ही एससीएल इंडिया के संस्थापक अवनीश राय से बात करने की कोशिश जब उनसे बात हुई तो अब वो मीडिया से बात नहीं करना चाहते, यानी कि अब वो मीडिया से बात भी नहीं कर रहे हैं अवनीश। उन्होंने तो ये जाहिर कर दिया कि कहीं ना कहीं जो चुनाव जीती है, चुनाव जो जीती थी बीजेपी लोकसभा का, उसमें फेसबुक का बहुत बड़ा हाथ है और फेसबुक ने बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रचार किया। तो कहीं ना कहीं क्या फेसबुक की मदद की वजह से जो मोदी हैं वो पीएम की कुर्सी पर बैठ पाए थे। एससीएल इंडिया का दावा है कि इसके पास 300 स्थायी कर्मचारी हैं और भारत के 10 राज्यों में स्थित ऑफिसों में 1400 से अधिक कंसल्टिंग स्टाफ है। यह भारत में कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, इनमें राजनीतिक अभियान प्रबंधन शामिल है जिसके तहत सोशल मीडिया रणनीति, चुनाव अभियान प्रबंधन और मोबाइल मीडिया मैनेजमेंट शामिल है। सोशल मीडिया रणनीति के तहत यह कंपनी ब्लॉगर और प्रभावशाली मार्केटिंग, ऑनलाइन की दुनिया में छवि निर्माण और सोशल मीडिया अकाउंट का दैनिक प्रबंधन जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं। तो अवनीश की अगर हम बात करते हैं जिन्होंने बयान दिया था, जिन्होंने अपनी बात रखी थी, तो कहीं ना कहीं देखिए वो अब बयान यानी कि अब बातचीत नहीं करना चाहते, अब मीडिया से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। और एससीएल इंडिया के संस्थापक हैं अवनीश राय, जो लंदन में एससीएल ग्रुप और अवलेनो बिजनेस इंस्टीट्यूट एक संयुक्त उपक्रम है। तो जिस तरह की देखिए यहाँ पर बात निकल कर सामने आ रही है और जिस तरह से फेसबुक का मामला इन दोनों चल रहा है कि फेसबुक से जो है चोरी की जा रही है पर्सनल चीज़ें, डाटा चोरी किया जा रहा है, तो ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन अभी अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो हैं, जो संस्था है उससे वैसे तो जुड़ी हुई हैं और लिस्ट भी है, लेकिन वो दोनों ही मना करते हैं कि हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई नाता नहीं है। तो ऐसे में जिस तरह से देखिए अब कहीं ना कहीं ये जो बात निकल कर सामने आई है कि पीएम बनाने में फेसबुक ने की थी मदद, तो कहीं ना कहीं देखिए ये सवाल अभी भी सबके सामने है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल के जरिए जो है पीएम बनने की कोशिश की थी, यानी कि पीएम बने थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए मार्क जुकरबर्ग की अगर हम बात करते हैं तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक जो है उन्हें समन भी भेजा है और कहा है कि उन्होंने अपनी बात रखी है कि अगर फेसबुक में अगर कोई गड़बड़ी करता है या कोई गड़बड़ी करता पाया जाता है तो उन्हें जो है समन भेजा जाएगा। तो देखिए अब जिस तरह से इस मामले पर बीजेपी ने अपना रुख साफ कर दिया है और कहीं ना कहीं अब यह मामला गर्मा गया है, तो इससे देखिए एक बात तो साफ जाहिर है कि चुनाव से पहले ही ये मुद्दा अपने आप में बहुत अहम है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात कर रहे हैं कि फेसबुक ने मदद की थी पीएम बनने में, तो एक सवाल ये खड़ा हो गया है सामने और इस सवाल से कहीं ना कहीं जो मोदी हैं वो घिर चुके हैं। और जिस तरह की यहाँ पर बात भी निकल कर सामने आई है, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि कैम्ब्रिज एनालिटिक्स से जुड़ी एक भारतीय कंपनी के संस्थापक जो थे उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि इसके सीईओ एलेक्जेंडर निक्स ने भारतीय चुनाव में प्रभावित करने की कोशिश की थी, यानी कि कहीं ना कहीं मोदी ने एलेक्जेंडर जो निक्स हैं उनसे मुलाकात की थी, इसके सीईओ जो हैं जी हाँ जो कैम्ब्रिज एनालिटिक्स से जुड़ी एक भारतीय जो कंपनी के संस्थापक हैं, जी हाँ देखिए उनके संवाददाताओं ने बताया कि इसके सीईओ से एलेक्जेंडर निक्स ने भारतीय चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की थी, यानी कि उस दौरान जिस तरह से मोदी की मुलाकात हुई थी और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, जी हाँ फेसबुक का इस्तेमाल करके मोदी ने सत्ता पाई है।
तो इससे देखिए साफ जाहिर होता है कि 2019 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और उससे पहले इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक अलग मुद्दा बन चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक बात तो साफ हो रही है कि पीएम बनने में फेसबुक ने जो है बहुत बड़ी मदद की थी मोदी की। जी हाँ, जो बात निकल कर सामने आई है वो कहीं ना कहीं ये है और साफ तौर पर जाहिर भी होता है। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जाइए, नमस्कार।